ফের শাহের সঙ্গে বৈঠক। লোকসভার জন্য আট মাসের রোডম্যাপ, অমিত শাহকে রোডম্যাপ দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। আজ শাহের সঙ্গে চূড়ান্ত বৈঠক শুভেন্দুর, রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং বাংলা সংগঠনের ইনচার্জ সুনীল বানসাল রাত দশটায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করবেন। সূত্রের খবর, বাংলায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় মহিলাদের সঙ্গে হিংসা ও ভাঙচুর নিয়ে অভিযোগ জানাতে পারেন শুভেন্দুরা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে আজ রাত দশটায় বৈঠক, চূড়ান্ত বৈঠক আজ শাহের সঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীর। অমিত শাহকে ইতিমধ্যেই লোকসভা ভোটের রোড ম্যাপ দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। ফের দিল্লিতে আবার বৈঠক, আর এই বৈঠকে থাকছেন শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সুকান্ত মজুমদার, সুনীল বানসাল, অভিষেক দুবে আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন দিল্লি থেকে টেলিফোন লাইনে। অভিষেক, क्या अपडेट मिल रहा है इस बैठक के बारे में? बिल्कुल, देखिए रात 10 बजे के आसपास आज शुभेंदु अधिकारी, नेता विपक्ष बीजेपी, इसके अलावा सुकांता मजुमदार जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और संगठन मंत्री सुनील बंसल, इसके अलावा एक दो लोग और हो सकते हैं बंगाल से जुड़े हुए, जो कि आज अमित शाह के साथ केंद्रीय गृह मंत्री के घर पर बैठक करेंगे। और बैठक में पंचायत चुनाव के दौरान जिस तरीके से बर्बरता हुई, जिस तरीके से वहां पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को पीटा गया, बूथ कैप्चरिंग हुई, महिलाओं के साथ जिस तरीके से व्यवहार हुआ, ये सारी चीजें जो पिछले दिनों बीजेपी हेडक्वार्टर में दिल्ली में लोकेश चटर्जी जो कि हुगली के सांसद हैं, उन्होंने जिस तरीके से रोते हुए अपनी बात कही कि भाई मणिपुर में जो हिंसा हुई वो तो पूरा देश देख रहा है, वहाँ की बेटियां भी हमारी बहने हैं, देश की बेटी हैं, लेकिन जिस तरीके से बंगाल में, बंगाल के तमाम अलग अलग जिलों में, हुगली में महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, उनके घर पे ब्लास्ट किए जा रहे हैं, गोली मार दिया जा रहा है, ये तमाम जो घटनाएं हो रही हैं इससे हमें कौन बचाएगा, हमारे लिए केंद्र सरकार कब कड़े रुख अपनाएगी, ये तमाम सवाल वो उठाई थी। और उसके बाद अब क्योंकि सुनील बंसल संगठन मंत्री हैं, वो अपनी रिपोर्ट देंगे 10 बजे, उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजुमदार भी मौजूद रहेंगे और जो एलओपी हैं वो मौजूद रहेंगे, और एक विस्तृत चर्चा होगी कि आगे बंगाल में, क्योंकि देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव है, चुनाव के दौरान भी अब कई लोगों का ये कहना है कि अगर वहां पर सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय नहीं किए जाएंगे तो जिस तरीके से पंचायत चुनाव में हुआ है उसी तरीके की नजर रखिए इस बैठक के ऊपर। अभिषेक শুক্রিয়া, বিকেলে অভিষেক দুবে আমাদের প্রতিনিধি ছিলেন, আমাদের সঙ্গে আমাদের নজর থাকবে। রাত দশটায় এই চূড়ান্ত বৈঠক, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বৈঠক করবেন, আরও একবার শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদারদের সঙ্গে থাকবেন সুনীল বানসাল। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি ২৪ ঘন্টা।